जिस मूवी की स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लकर। जो इस मूवी में लड़की जिसका नाम सैम है उसका लक बिल्कुल नहीं चलता। वो जो भी काम करने वाली होती है उससे वो काम उल्टा हो जाता है। सैडली ये ऑर्फन भी है और एक ऑर्फनेज में रहती है। इसकी एक छोटी बच्ची दोस्त है। ये दोनों अपना ज्यादातर टाइम साथ ही स्पेंड करते थे, तो आज भी पहले की तरह ये लोग सोचते हैं कि कुछ नया किया जाए। ये लोग एक सेटअप बनाते हैं जहाँ पर सैम अपना गाना रिकॉर्ड करने वाली थी, पर वो सेटअप भी खराब हो जाता है। सैम की फ्रेंड उसे कहती है, क्या यार आपके लिए ना मुझे कोई लकी चार्म ढूंढना पड़ेगा, आप अंदर आओ मैं आपको अपना बॉक्स दिखाती हूँ, उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर मिसिंग है, अगर मुझे वो मिल जाए ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। वो ऑर्फनेज की स्टाफ मेंबर होती है जो कि सैम को बताती है कि तुम अब 18 साल की हो चुकी हो और तुम्हें ऑर्फनेज का रूल पता है ना कि जो कोई 18 साल का हो जाता है फिर उसे अकेला रहना पड़ता है, तो अब तुम्हें भी कहीं और अकेले शिफ्ट होना है और अपनी इस लिटिल फ्रेंड को छोड़कर जाना होगा। तो सैम कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर क्या मैं अपनी दोस्त के साथ दो तीन दिन और गुजार सकती हूँ। तो वो लेडी उसे मना करती है कि सैम बिल्कुल नहीं, आपको रूल्स का पता है ना। अब सैम की जाने का भी वक्त आ जाता है। सैम आखिरी बार अपनी लिटिल फ्रेंड से मिलती है और कहती है कि परेशान मत होना, जो कैरेक्टर तुम्हें कम पड़ रहा है मैं उसका अरेंज जरूर कर दूंगी। अब कर्मिन की जगह से एक और लेडी सैम को पिक करने आती है ताकि उसे उसके नए घर में छोड़ा जा सके। जब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो वो लेडी उसको एक की देती है कि ये लो ही तुम्हारे घर की चाबी है, पर वो की सैम से गटर में गिर जाती है। ये उसके अंदर की होने का दूसरा सबूत है, पर वो लेडी उसे नई चाबियां देती है और कहती है कि अब अच्छे से रहना। सैम अपने घर में चली जाती है, साथ ही साथ उसने कोई जॉब भी ढूंढ ली होती है जिसमें कल उसका पहला दिन होता है। वो पहली बार होती है। सुबह उठकर जल्दी जल्दी में उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा होता, फिर उससे सामान बिखर जाता है। स्टोर का ओनर ये देखता है तो उससे कहता है, सैम रहने दो, अब बाहर जाकर कार्ड्स को पार्क करो। अब ये काम करने के बाद सैम बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि वो अपनी छोटी सी दोस्त से मिलने जा रही थी। अब सैम जब ऑर्फनेज पहुंचती है तो वहां पे वो अपनी छोटी दोस्त से मिलती है, पर वो काफी उदास होती है क्योंकि जो फैमिली उसे देखने आने वाली थी वो नहीं आ सकी और वो यही सोचती रहती है कि क्या कोई मुझे अडॉप्ट करेगा भी या नहीं। तभी सैम उसे कुछ समझाती है और कहती है कि अभी तो बहुत से संडेज बाकी हैं, क्या पता अगली बार जो फैमिली आए वो तभी देखे और अडॉप्ट कर ले। तो आगे से उसकी छोटी दोस्त कहती है कि क्या पता मुझे उस बॉक्स का कैरेक्टर मिल जाए जो कि एक लकी पेनी है, एक ऐसा कॉइन जिसे लकी चार्म समझा जाता है। तो सैम कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब नेक्स्ट डे सैम को वो लकी कॉइन मिल ही जाता है। वो कॉइन को अपने पास रख लेती है और जब घर आके कुछ काम करती है तो वो काम बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। तो वो भी इस बात पे यकीन करने लगती है कि वाकई ये कॉइन एक लकी चार्म है। अब जब सैम ऑफिस जाती है यानी कि अपनी जॉब पे, तो वहाँ पर भी सब चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती है, तो वहाँ का ऑनर भी बहुत खुश होता है कि सैम बहुत बढ़िया जॉब की है। अब सैम ये भी सोच रही होती है कि वो जल्दी से कॉइन अपनी फ्रेंड को भी दिखाएगी, लेकिन उससे पहले उसे वॉशरूम जाना पड़ता है जहाँ पर वो अपने मोबाइल के साथ वो कॉइन रखती है और वो गलती से फ्लश हो जाता है। जब कॉइन टॉयलेट में गिरा था तो सैम ने बहुत कोशिश की कि वो कॉइन को पकड़ ले, पर साथ ही वो फ्लश हो गया और बह गया। सैम इस चीज पर बहुत दुखी होती है। वो बाहर रोड पर आती है और उदास रहती है, पर तभी उसके सामने एक ब्लैक कैट आती है। वो कैट उसके पास पहले भी आई थी उसी दिन जब उसे वो लकी कॉइन मिला था। अब सैम उस कैट को देख के दोबारा से बातें करने लगती है कि प्यारी बिल्ली तुम्हारी वजह से मुझे वो कॉइन मिला था, मैं कितनी अनलकी हूँ कि मैंने उसे खो दिया। तो वो कैट आगे से कहने लगती है, क्या तुमने वो कॉइन खो दिया। तो सैम इस पर बहुत हैरान होती है कि तुम बोल सकती हो, पर तभी वहाँ से वो ब्लैक कैट भागने लगती है और सैम उसके पीछे पीछे होती है। सैम चिल्लाती जाती है कि प्लीज मुझे वो कॉइन एक बार और दे दो, अब की बार मैं उसका ख्याल रखूंगी, पर कैट वहाँ से दूर चली जाती है। अब सैम एक जगह छुप कर कैट को देखने लगती है। वो कैट काफी अजीब हरकत करती है, वो स्ट्रीट में एक पोर्टल ओपन करती है और उसी पोर्टल में जंप लगा देती है। सैम को ये बात बहुत हैरान करती है और वो जल्दी से पोर्टल बंद होने से पहले ही पोर्टल में भी जंप लगा देती है। जब कैट को पता चलता है कि सैम उसके पीछे आ गई है तो वो उसे वार्न करती है कि यहाँ पर इंसानों का ना मना है, तुम चाहती क्या हो, मैं तुम्हें वो कॉइन नहीं दूंगी। पर सैम उसे कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। पर तभी वो कैट कहती है जल्दी से छुप जाओ, कोई आ रहा है। अब तभी वहाँ पर दो छोटे छोटे इंसानों जैसे क्रिएचर्स आते हैं, इन्हें इस दुनिया में लेप्रिकॉन्स कहा जाता है। उस कैट से बात करने लगते हैं और उनके जाने के बाद सैम दोबारा से आ जाती है। सैम कैट से कहने लगती है कि मैंने सुना तुम लोग किसी कॉइन डिपो की बात कर रहे थे जहाँ से कॉइन्स मिलते हैं, तो प्लीज एक दिलवा दो ना। तो वो कैट उससे कहती है कि नहीं नहीं, वहाँ सिर्फ लेप्रिकॉन्स जा सकते हैं, तुम नहीं। तो सैम कहती है तो क्या हुआ, मैं लेप्रिकॉन्स की तरह एक्ट तो कर सकती हूँ ना। अब वो कैट उसे तंग आ चुकी होती है
शर्त रहती है कि चलो डील करो कि जैसी तुम्हारा काम हो जाएगा तुम यहाँ से चली जाओगी। तो सैम उसकी बात मान जाती है। अब लोग छुपते छुपाते दरवाजे के दूसरी तरफ जाते हैं। कैट उसे एक यूनिफॉर्म देती है कि इसे पहन लो, बिल्कुल लेप्रेकॉन्स की तरह एक्ट करना। जब सैम वो यूनिफॉर्म पहन लेती है तो वहाँ पर कुछ लेप्रेकॉन्स आते हैं, पर कैट उनको उल्लू बना देती है। वो कहती है कि कहीं और से आई है और वहाँ के लेप्रेकॉन्स लंबे होते हैं, तो चलो इसे वेलकम करो। तो सैम जिन जिन लेप्रेकॉन्स के सामने जाती थी वो उसे देखकर सरप्राइज नहीं होते थे। कैट का प्लान कामयाब हो चुका था। अब उसे कहती है कि चलो यहाँ तुम विजिट कर सकती हो, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जब वो लोग एक लक लैंड की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जिंजर बालों वाला लेप्रेकॉन आता है। कैट उसे कहने लगती है कि ये भी एक लेप्रेकॉन है, इसे अंदर का विजिट तो करवाओ। तो वो मान जाता है और इसके बाद सैम को अंदर जाने का मौका मिल जाता है। वहाँ पर एक मशीन चल रही होती है जो कि सब पेनिस को डिटेक्ट करती है, पर तभी सैम के हाथ में जो उसके पर्स का बटन होता है वो भी उस मशीन में चला जाता है। सैम फौरन से बाहर आती है और इसके बारे में कैट को बताती है। तो कैट कहती है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, अब क्या होगा। सैम परेशान होती है और अपनी सारी की सारी सच्चाई उसे जिंजर बालों वाले लेप्रेकॉन को बता देती है। तो वो आगे से कहने लगता है कि हमारी कैप्टन बहुत सख्त है, अगर उसे इस चीज का पता चल गया तो वो तुम्हें बैड लक कंपार्टमेंट में भेज देगी। तो इससे पहले हमें लकलैंड जाना होगा, उसकी स्पेसिफिक फ्लोर पे जहाँ सिर्फ गुड लक बनाया जाता है, ताकि वहाँ पर बनते हुए हम क्रिस्टल्स कैच कर लें और कुछ न कुछ गुड लक ब्रिंग कर पाए। इससे एक ये भी फायदा होगा कि खोई हुई पेनी यानी कि वो लकी कॉइन मिल सकेगा। अब वो सब उस तरफ जाते हैं। जैसे तैसे करके सैम वो लकी क्रिस्टल कैच कर ही लेती है। अब वो तीनों लकी क्रिस्टल लेने के बाद किसी ऐसे ड्रोन को ढूंढने जाते हैं जिससे दुनिया में वो कॉइन को ढूंढा जा सकेगा। लकीली उन्हें वो ड्रोन मिल ही जाता है। वो जिंजर बालू वाला लेप्रेकॉन और कैट किसी तरह से दुनिया से वो कॉइन ढूंढ ही लेते हैं, पर तभी वहाँ पर कैप्टन की अनाउंसमेंट होती है कि किसी ने मशीन में बटन डाल दिया है और उसकी खो गई है। और उन्हें जिन पर शक है उनमें तीन लोगों का नाम है, उन्हीं तीनों में से एक बिल्ली का भी नाम होता है। यही बिल्ली जब सैम के साथ है। जब वो जिंजर बालों वाला लेप्रेकॉन उनको बताने ही वाला होता है कि वो ड्रोन दुनिया से